बताइए आपने क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? मैम मैंने एनबीसीसी खरीदा था बोनस पे पहले 200 रुपए के भाव पे। ओके अब एवरेज प्राइस 136 चल रही है, मेरा लॉस 1 लाख रुपए दिखा रहा है। 136 एवरेज, ओके ओके। कब तक? 133 ओके। अभी कितना है आपको रुकना इसमें? अभी 1 साल तक मिनिमम। 1 साल और देना चाहते हैं एनबीसीसी को? ठीक है, ऑलराइट। अक्षय, 1 साल का समय और एवरेज 133, बोनस के पहले इन्होंने लिया था 200 पर। जी, तो एक अच्छी बात है कि आपके पास समय काफी है होल्ड करने के लिए, तो क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस है बाजार में रिसेंटली, जो एक शॉर्ट टर्म पेन है वो शायद शॉर्ट टर्म तक सीमित रहे, लॉन्ग टर्म के अगर आप देख रहे हो तो एनबीसीसी में बहुत ही फर्म प्राइस स्ट्रक्चर है। एक सपोर्ट जोन जो बहुत ही अहम रहेगा एनबीसीसी के लिए वो करीबन है 85 का। तो शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं दिख पा रही है मुझे, तो होल्ड करें एनबीसीसी फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कोई स्टॉप लॉस आप ये ट्रेड में लगाना चाहे वो स्टॉप लॉस 75 का रहेगा, बट मेरा मानना है कि रिकवरी रैली जरूर आएगी शॉर्ट टर्म में नहीं मीडियम टर्म में, और वापस स्टॉक जो रिसेंट हाई से गिरा था वो छू सकता है। ठीक है, तो एनबीसीसी पर ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई।